बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। या अल्लाह, हमें बेहतरीन ज़िक्र करने वाला, बेहतरीन शुक्र करने वाला और बेहतरीन फ़िक्र करने वाला बना दे, आमीन। एक बूढ़ी खातून ने रेडियो स्टेशन फ़ोन किया कि वो कई दिनों से भूखी है और कई दिनों से सिर्फ सूखी रोटी और पानी पर गुजारा कर रही है, और कहा कि अल्लाह की राह में उसे कुछ खाने के लिए दिया जाए। एक मुनकर खुदा भी उसकी गुफ्तगू सुन रहा था और उसको एक मजाक की आदत सूझी। उसने खाने पीने की अशिया खरीदी और उस बूढ़ी औरत का एड्रेस मालूम करने के बाद अपने नौकर से बोला कि जाकर उस बूढ़ी औरत को दे आओ, और जब वो पूछे कि किसने भेजा है तो बताना ये शैतान की तरफ से तोहफा है। वो बूढ़ी औरत इतने ज़्यादा खाने का सामान देखकर बहुत खुश हुई और जल्दी जल्दी अपने घर के कोने में रखने लगी। ऐसे में नौकर ने पूछा, क्या आप मालूम नहीं करना चाहेंगी कि ये सामान किसने भेजा है? ये सुनकर वो बोली, मुझे इसकी कोई परवाह नहीं कि किसने भेजा है, मगर इतना मालूम है कि जब मेरे रब का हुक्म आता है तो शैतान भी हुक्म की तामील करता है। अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा करते होते जैसा कि भरोसा करने का हक है, तो तुम्हें ऐसे रिज्क दिया जाए जैसे परिंदों को रिज्क दिया जाता है। वो सुबह खाली पेट निकलते हैं और शाम को आसूदा हाल वापस आते हैं। कोशिश करें कि कुछ ऐसा छोड़ें जो कल उसके हजूर पेश करते हुए कह सकें कि अल्लाह जी, ये खालिस मैंने आपके लिए और अपने नफ्स पर जबर करते हुए छोड़ा था, और वो तो बेहतरीन कदरदान है।